अशोक मुद्रिका दीजिए और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। संकट में तो मुझे अकेला छोड़ दिया, ऐसे मित्रों से तो शत्रु अच्छे हैं। अशोक इसे मेरा आदेश समझिए, जाइए। बोलो सम्राट अशोक की। क्यों आए आप यहाँ? मैं तो ये शोध में आया हूँ कि ये मुद्रिका आप तक कैसे पहुंची। सम्राट ने वर्षों पूर्व दान में मुझे दी थी। दान तो धन का देते हैं देवी, अन्न का दान देते हैं। देवी ये मुद्रिका सम्राट बिंदुसार की पैतृक संपदा है, पर सम्राट भी भली भांति जानते हैं कि उनके अतिरिक्त इस मुद्रिका पर केवल मगध साम्राज्य का ही अधिकार है। इसलिए मैं ये जानने आया हूं कि ये मुद्रिका आप तक कैसे पहुंची। अन्यथा सम्राट ने यदि आपको ये मुद्रिका दी है तो क्यों दी होगी? क्या आपको पता नहीं मगध के सम्राज्ञ महारानी चारुमित्रा है? प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही देना, इसका अर्थ सत्य पर आवरण डालना होता है देवी। सम्राट के निर्णयों का कारण समझने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, और ना ही उनके किसी भी निर्णय के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। फिर आपके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकती हूँ? यदि मैं कहूँ कि आपका उत्तर मगध के भविष्य से जुड़ा है तब भी? आचार्य, वर्षों पूर्व एक बालक से भेंट हुई थी मेरी। वह बालक भी स्वयं को सम्राट कहता। हमारा नाम चंद्रगुप्त है, सम्राट चंद्रगुप्त। उस बालक को देखकर आभास हुआ था कि यह बालक ही मगध का भविष्य होगा, जिन्हें आज लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते। आपके पुत्र को देखकर भी वही अनुभूति हुई है मुझे, और ये केवल योगायोग या संयोग नहीं। इस मुद्रिका का आपके पास होना, आपके पुत्र में सम्राट चंद्रगुप्त के सारे लक्षणों का हो, वही साहस, वही चपलता, वही चातुर्य का होना, ये केवल संयोग नहीं हो सकता देवी। मुझे जो संकेत मिले हैं उसी के अनुसार नियति ने आज मुझे आपके द्वार पर उपस्थित किया। सम्राट बिंदुसार का तेजस्वी उत्तराधिकारी नियुक्त होना ये मगध के लिए अत्यंत आवश्यक है। मगध को न केवल उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा है देवी, किंतु आत्यंतिक आवश्यकता। जाइए यहां से, जाइए। मेरे चले जाने से सत्य परिवर्तित नहीं होगा देव, किंतु मगध का उत्थान, मगध का संरक्षण और मगध का सम्मान ही अशोक की नियति। नियति नहीं, अभिशाप है, और ऐसे अभिशाप से मेरे पुत्र को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगी मैं। अशोक का जीवन शांति और धर्म के प्रति समर्पित होगा। वो एक ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करेगा आचार्य, एक आदर्श ब्राह्मण का। और यदि आप यहां एक क्षण भी रुके तो मैं उसे मर्यादा का उल्लंघन समझूंगी। सम्राट बिंदुसार मृत्युशैया पर हैं। शीघ्रातिशीघ्र यदि मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होगा तो मगध खंड खंड में बट जाएगा।
प्रस्थान कीजिए। अपने पुत्र को लेकर यहां से चली जाऊंगी, दूर मगध से ही दूर, ताकि अतीत की परछाई उसका पीछा ना करे। क्या हुआ आचार्य? माता का वात्सल्य भाव संतान को सशक्त बनाता है, किंतु यही वात्सल्य भाव माता की दुर्बलता का भी कारण हो सकता है। अब 14 वर्षों के पश्चात सम्राट बिंदुसार से भेंट करने का यही शुभ और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। क्यों आए थे वो? ये मुद्रिका क्यों ली आपने? क्यों खेल रहे थे इसके साथ? इस मुद्रिका में ऐसा क्या विशेष है जो आचार्य चाणक्य यहाँ खींचे चले आए? क्या विशेष है जो माँ आज तक मुझ पर क्रोधित नहीं हुई, आज वो मुझसे ऐसे बात कर रही है? आपने तो कहा था हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। माँ की आज्ञा पर प्रश्न उठाएंगे आप? आज्ञा पर नहीं माँ, कारण पे प्रश्न उठा रहा हूँ। वो जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु इस बार है। मैंने कहा ना हमें यहाँ से जाना है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। हमें जितना शीघ्र हो यहाँ से प्रस्थान करना होगा। हम किससे भाग रहे हैं माँ? सामान बांधी है। कहीं उस अंगूठी का संबंध उस व्यक्ति से तो नहीं जो हमारे दुखों का कारण है? मैंने कहा था ना ये बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक उचित समय नहीं आता। वो अच्छी समय कब आएगा माँ? 14 वर्ष का हो गया हूँ, अभी तक नहीं जान पाया कि वो व्यक्ति कौन है जिसने आपको परितारित किया, मेरा परित्याग किया। जब भी मैंने आपसे पूछा है आप एक ही उत्तर देती हैं, जब उचित समय आएगा तो बताऊंगी। जब वही व्यक्ति हमारे जीवन की अस्थिरता का कारण है, क्या उसी व्यक्ति से बचने के लिए हम हर थोड़े दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं? मुझे उत्तर चाहिए माँ। क्यों हट कर रहे हैं आप? अगर अधिकार मांगना हट है तो है माँ, और मेरा अधिकार है ये जानने का कि मेरे पिता कौन है। अगर आज आपने उत्तर नहीं दिया तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाओगे? यही रहोगे ताकि कोई आए और आपकी हत्या कर दे? कौन व्यक्ति है जो मेरी हत्या करेगा? जिसमें है ता सामर्थ। अशोक अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं जानते। बस समझ लीजिए कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं सब भ्रम है। इस क्रूरता का, इस शक्ति का कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए। सुना आपने? मैं जहां भी जाऊं आपको मेरे साथ चलना होगा। अशोक क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कौन है? वक्त से पहले आ गए, ना ही मीर खुरासन आपको उन्हें हराने का मौका देगा, और मैं मीर खुरासन उनको आपसे हारने भी नहीं दूंगा।
आपको सम्राट से मिलने की इजाजत नहीं है चाणक्य। चाणक्य? क्षमा आचार्य, मैंने आपको पहचाना नहीं। अधिराज, पुरासन का हुक्म नहीं सुना? सुना, किंतु मैं मगध का सैनिक हूँ, जिस मगध की रक्षा करना मेरा धर्म है। उसकी स्थापना इनके नियमों से हुई है, इसलिए इनका मार्ग रोकना मगध का अपमान है। तेरा आप यहाँ? पाटलिपुत्र से उज्जैनी सिर्फ यही कहने आए हो कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या आवश्यकता थी बिंदुसार को यहाँ लाने की? मारने देते उसे। आप शायद भूल रही हैं। मैं वहाँ अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरी सेना थी और मीर कुरासन भी। ऐसे में यदि मैं बिंदुसार को वहाँ छोड़ाता तो वो होती बेवकूफ। और वैसे भी बिंदुसार के मरने से अब हमें क्या फायदा होगा? सुश्रीम 16 साल का हो गया है। अब यदि बिंदुसार मर भी गया तो बड़ा बेटा होने के नाते सुश्रीम बैठेगा सिंहासन पर। दुनिया में हारने वाले ये मान के जीते हैं कि वो जीत नहीं सकते, और जीतने वाले ये मानकर जीते हैं कि वो हार नहीं सकते। तेरा बड़ी बातें करना बहुत आसान, पर इतने सालों में मैं एक बात तो समझ गया कि मगध को हराना आसान नहीं है। अलेक्जेंडर भी नहीं झुका पाया इस साम्राज्य को, और हम इतने सालों में हमने क्या कर लिया? बिंदुसार को मारने की कोशिश कर ली हमने, किंतु बच के वापस आ गया। उसके बाद इन 14 सालों में वो मीर खुरासन सारे की तरह मंडरा रहा है। वफादार होता तो सुशिम को सिंहासन पर बैठाने का सपना देखता, नूर के बेटे सियामा को नहीं। तेरा वजह जो भी हो, इतने साल से बचा के तो रखा है ना बिंदुसार को उसने। अब आप कहां जा रहे? माँ का कर्तव्य निभाने। में क्या है? जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? मृत्यु तो दे सकती हूँ सम्राट को। स्वास्थ्य कैसा है? उचित उपचार आरंभ कर दिया है, शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की अपेक्षा है। सम्राट, मगध का योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। आचार्य चाणक्य का आदेश है कि अशोक को राजद्रोह के अपराध के लिए बंदी बनाए जाए। शीघ्र ही वो और उसकी माता आपके निकट पहुंच जाएंगे। चलो। अशोक छोड़िए हमें, मैं नहीं जाने दूंगी अशोक को। अशोक मां, अशोक देवी धर्मा को यहां लाने का इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था सम्राट। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास करे, वो अपनी नियति के आगे नहीं भाग सकता। अंततः आचार्य चाणक्य ने इस उपद्रवी को पकड़ ही लिया, इसे तो वो दंड मिलेगा
जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकता। और मुझे तो अंधा कर दिया इसने। उस मिर्च से कारागृह में डालकर इतना मारूंगा कि सब भूल जाएगा। प्रणाम आचार्य। वो बहुत चतुर है, चपल है, भाग निकला। कैसे? वो हम लोगों ने उसे पकड़ा था। सम्राट बिंदुसार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सुना है कि राजवेद भी उनका उपचार नहीं कर पा रहे हैं। चिंता यही है, यदि उनकी मृत्यु हुई पुनः अराजकता फैल जाएगी पूरे राज्य में, जैसे 14 वर्ष पूर्व विद्रोह हुआ था। और वही लूटपाट। ये तो अच्छा हुआ कि हम सैनिक अपने घरों की रक्षा कर पाएंगे अपने शस्त्रों से। आपको तो ऐसी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भला आपके यहाँ कोई लुटेरा अपना समय व्यर्थ करने क्यों आएगा? अर्थात लुटेरे वहाँ जाते हैं जहाँ लूटने के लिए कुछ हो। चुप कर धूर्त। आपने मेरी बात का सही अर्थ नहीं समझा। मेरा संकेत आपकी वीरता, आपकी चतुराई की ओर था। और ये वो अमूल्य धन है जो संसार में कोई भी लुटेरा किसी से लूट नहीं सकता। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो अचरज होता है, ये कैसा नियम है? सम्राट की रक्षा करें आप, युद्ध लड़े आप, और कीर्ति किसकी बढ़ती है? सम्राट की। युद्ध में प्राण आप निछावर करें और सम्मानित कौन होता है? सेनापति। मुझे बंदी बनाने के लिए सारा परिश्रम किसने किया? आपने किया। और उसका श्रेय किसको जाएगा? आचार्य चाणक्य को। अब वो मुद्रिका उन्होंने मुझसे तो ले ली, जबकि उस पे प्रथम अधिकार तो आप लोगों का था। सत्य कह रहा हूँ कि नहीं, कह दीजिए। ये अन्याय नहीं है? और अन्याय। अब उस धन का मुझे तो कोई लाभ होगा नहीं, किंतु आचार्य चाणक्य के हाथ भी नहीं लगने दूंगा वो धन। कौन सा धन? अरे वही धन जहाँ से वो मुद्रिका मुझे प्राप्त हुई। किसी ने छुपाया होगा और भूल गया होगा। इतना अपार धन है, यदि आप सब आपस में बांट लेना, आपकी 7 पीढ़ियों को उंगली उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कहाँ है वो? उस ओर है, किंतु हम तो सीधा जा रहे हैं ना। इसकी बातों में मत आओ, ये भ्रमित कर रहा है हम सबको। चलो। ये मार्ग तो अवरुद्ध हो गया है, अब हम क्या करें? तो वो दूसरा मार्ग जो ये बता रहा था, वो भी तो वहीं जाता है जहां हम सब जाना चाहते हैं। ठीक है, चलो उस ओर। यही कहीं है वो धन। स्वर्ण है, मणि है, अमूल्य रत्न है, आभूषण है। यदि आप अनुमति दें तो एक अंतिम बार मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। कोई दर्शन नहीं मिलेगा। करने दीजिए ना दर्शन, हम सब इतने क्रूर भी नहीं कि एक बालक की अंतिम इच्छा को पूरी ना होने दे। अंतिम इच्छा का प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हो गया? अरे यदि मुझे मृत्यु दंड मिला तो ये अंतिम इच्छा होगी ना, केवल दर्शन ही तो करना चाहता हूँ। हाँ, साथ में ये भी तो देख लेंगे कि ये बालक सत्य बोल रहा है या हमें भ्रमित कर रहा है। हाँ ठीक है, उतारो इसे नीचे। यदि तुमने हमें मूर्ख बनाने का प्रयास किया, इसे तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य बना दूंगा। माँ कहती है ब्राह्मण और सैनिक का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। एक से श्राप मिलता है, दूसरे से शुल्क। आइए, हो रहा धन जगमग जगमग। अरे मेरे हाथ तो खोले जाओ। चुप। अरे क्या हो गया? कोई सहायता करो, निकालो हमें। ये क्या हो गया आप लोगों को? ए दुष्पालक, बाहर निकालो हमें।
अरे मेरे हाथ तो स्वयं बंधे हुए हैं, किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ। कोई है? सुना था लोभ में मनुष्य गिर जाता है, आज देख भी लिया। छोड़ दो, मैं क्षमा कर दो। जाओ आचार्य चाणक्य से कह दो, बहती हुई पवन को बांधने का प्रयत्न करना भी मूर्खता है। सम्राट वनराज, चाणक्य पवन की दिशा को बांधना नहीं। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है, उससे पूछो तो वो है, अपनी मिट्टी का दास है। किंतु उसकी दिशा को परिवर्तित करना चाहता है, और मैं भली भांति जानता हूं कैसे। आचार्य चाणक्य के सैनिकों ने उन्हें भी तो आचार्य चाणक्य मेरी गति के दान मेरी माता को देकर न्याय नहीं किया, बल्कि अपनी विदार निमंत्रण से आया है, किंतु इसके पूर्व मैं अपनी माँ को क्यों नहीं निकालूंगा। आचार्य चाणक्य से कहिए मुझे उनसे भेंट करनी है। तुम मगध नरेश की पत्नी हो, रानी हो, तो तुम्हारा स्थान पाटलिपुत्र में है, मेरे भवन में है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अपना कर्तव्य संपन्न कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूंगा। सम्राट है वो, उसने तुम्हारे साथ एक रात क्या गुजारी, तुम्हें लगा तुम मगध की मलिका बन जाओगी। सम्राट को इसी बात का डर था, इसीलिए उन्हें हुक्म दिया है तुम्हें जांच से मारने का। आने दो इन्हें। कौन है आप? शुभद्रांगी, मेरा पुत्र कहाँ है?
मैंने औषधि दी है, सम्राट का ज्वर कुछ घटा है, किंतु यह समाप्त नहीं होगा, बल्कि यह ज्वर और भी घातक हो सकता है। इन घावों का विष रक्त के साथ समस्त शरीर में फैल रहा है, हमें जल्द से जल्द उपचार करना होगा। पिछले 30 वर्षों से मैं राजवैद्य हूँ देवी, मैं सम्राट के शरीर को भली भांति समझता हूँ। यदि विष को शीघ्र निष्प्रभाव नहीं किया तो कुछ ही प्रहर में सम्राट देवी। वैद्यराज, मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। परंतु आचार्य, ये मेरा आदेश है। देवी, 14 वर्ष के पश्चात आपकी सम्राट से भेंट हो रही है और आज सम्राट इस अवस्था में, सम्राट की इस गंभीर अवस्था का आप पर कोई प्रभाव नहीं है, निष्ठुरता है या एक माँ की दृढ़ता। 14 वर्ष पूर्व आपके सम्राट ने मुझे एक वचन दिया था। मैं तो फिर वचन देता, अपना कर्तव्य संपन्न कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूं। किंतु मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ एक हत्यारे के आगमन से। जिसने मेरे और मेरे पुत्र के प्राण लेने का प्रयास किया। सम्राट को इसी बात का डर था, इसीलिए उन्होंने हुक्म दिया है तुम्हें जान से मारने का। आग लगा दो इसकी कुटिया में। ये कदापि संभव नहीं हो सकता देवी। मैं यहाँ तर्क वितर्क करने नहीं आई हूँ, अपने पुत्र की रक्षा करने आई हूँ। चौदह वर्ष के पश्चात आज सम्राट मृत्युशैया पर है, फिर भी इस अवस्था में आपकी उपस्थिति का और आपके क्रोध का उन्हें आभास है। और देखिए उनकी जिह्वा पर केवल आपका नाम है। क्या आपको लगता है 14 वर्ष पूर्व सम्राट ने आपकी और आपके पुत्र की हत्या करने का प्रपंच रचाया होगा? देवी, केवल आप ही हैं जो सम्राट को जीवन दान दे सकती है। नहीं, ये संभव नहीं है। मुझे ये उत्तर कदापि मान्य नहीं है देवी, कदापि नहीं। मगध के नए सम्राट के चयन से लेकर उस सम्राट जब तक मगध के योग्य नहीं होता, तब तक सम्राट बिंदुसार का जीवित रहना मगध के लिए अत्यंत आवश्यक है। देवी, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। देवी, आपको जो भी करना है त्वरित करना होगा। किंतु मेरी एक शर्त है। क्या? जब तक मैं अपने पुत्र को देख नहीं लेती, तब तक मैं सम्राट का उपचार नहीं करूंगी। मुझे अपने पुत्र के सुरक्षित होने का प्रमाण चाहिए। अशोक की सुरक्षा की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है देवी।
क्षमा करिए राजमाता, सभी के लिए प्रवेश वर्जित है। इस मूर्खता के लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। राजमाता, हम तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। ऐसा आदेश देने का दुस्साहस कौन कर सकता है मगध में? अखंड मंडलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे। क्षमा करें देवी हेलन, ये निर्णय मगध सम्राट के स्वास्थ्य हेतु ही लिया है। कम से कम व्यक्ति सम्राट के संपर्क में आए ताकि उनके घाव किसी भी प्रकार से दूषित न हो, और ये निर्णय मैंने मगध के हित को ध्यान में रखकर ही लिया है। कृपा करके इसे व्यक्तिगत रूप में ना देखिए, और आप भी तो चाहते मगध सम्राट शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होकर मगध का कार्यभार संभाले। हम सम्राट की मां हैं, इसीलिए निवेदन कर रहे हैं। आचार्य ने बंदी बना रखा है उन्हें, क्योंकि वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। जाओ कह दो उन्हें, अशोक स्वयं आ गया है, अब मेरी माँ को मुक्त कर दो। सम्राट अस्वस्थ है और आचार्य चाणक्य का ये आदेश है कि कोई भी बिना अनुमति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो आचार्य चाणक्य को मुझे चुनौती देने से पहले ही सोचना था। जाओ यहां से। सैनिकों के लिए भोजन सामग्री। Yeah!
कहाँ जा रहे हो? सम्राट के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हम ये इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता यहाँ से कोई नहीं उठेगा। बैठो 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 बैठो। गुर्रा पकड़ो उसे। अचारे से क्या दो? बंदाज अपनी पाप लेने आ गए हैं। अरे किसी ने उस दुष्ट को पकड़ा कि नहीं? अरे वो देखो दुष्ट भागने ना पाए। अब तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। मगध के सैनिक एक बार से पराजित नहीं हो सकते। वो आ गया। कौन? मगध का भविष्य। धर्म देवी, मगध अपनी स्वयं की सहायता के लिए आपका आवाहन कर रहा है। देवी, आप सम्राट की रक्षा कीजिए और अपने पुत्र की भी। आचार्य, क्या आपको आभास भी है? आप जो कर रहे हैं वो अनैतिक है, अधर्म है। मैंने अपने पुत्र को आजीवन इस सब से दूर रखने का प्रण लिया था। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं। मैं अपने पुत्र को लेकर जा रही हूँ। देवी, आपके पुत्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है, ये मेरा वचन है। आचार्य चाणक्य का लौट कर आना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जानता हूं, हमें कोई योजना बनानी ही होगी। और जब तक तुम लोग योजना बनाओगे तब तक हम सभी मारे जा चुके होंगे। अपने दिमाग पर जोर मत डालो। मेरी योजना अपने पहले चरण में पहुंच चुकी है। तुम्हारे नाना सिलिकस निकेटर ने ये पत्र भेजा है। तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं तो मुमकिन बनाना होगा। आचार्य चाणक्य आ चुके हैं और ये हमारे लिए कोई अच्छा समाचार नहीं। बिंदुसार पर आक्रमण कराओ शीघ्र से शीघ्र। जैसे ही बिंदुसार यहाँ उज्जैन में अंतिम सांस लेगा तुम्हारे नाना सिलोकस की सेना पाटलिपुत्र में प्रवेश कर जाएगी। बिंदुसार की सभी संतानों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा और तुम्हें सम्राट बना दिया जाएगा। किंतु राजमाता, आचार्य चाणक्य उनका क्या करेंगे? चिंता मत कीजिए, कल का सूर्योदय उन दोनों के जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा। संदेह दिन प्रतिदिन मगध क्षीण होते जा रहा है। इसकी प्रतिति ये बालक मगध के सैन्य को पराभूत कर रहा है। मान्यवर, क्या आप बता सकते हैं आचार्य चाणक्य का कक्ष किधर है? उनके लिए जल लाया हूँ। उस तरफ। कहाँ जा रहे हो? आचार्य के लिए जल है,
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.